आदर जयंती। स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में भक्तमर स्तोत्र में आपका पुनः स्वागत है। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोक्तृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अढ़ाई की पस्त समस्त गिरिराजों की जय। भक्तमर स्तोत्र के इस महाकाव्य के अर्थ और भावार्थ और महिमा के अंतर्गत हमने समझा कि वास्तविकता में जिनेन्द्र भगवान के गुणों के अतिरिक्त इस संसार में और कोई शरण नहीं है। उनके गुण अनंतानंत इन तीनों लोकों में विद्यमान हैं। उनके शरीर की कांति, उनके मुख की उपमा, उनके गुणों की उपमा हम संसार में किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते। पिछले श्लोक में हमने ये जाना था कि जिनेन्द्र भगवान के मुख की उपमा यदि हम किसी चंद्रमा की अपेक्षा भी व्यर्थ है, क्योंकि चंद्रमा तो संसार में कर्म के होते हैं और दिन में फीका पड़ जाता है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का मुख तो निष्कलंक है, निर्विकार से युक्त है और किसी भी अपेक्षा से फीका नहीं पड़ता। तेजो में कांति बढ़ती ही रहती है। आइए आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जिनेन्द्र भगवान में जो गुण तीनों लोकों में व्याप्त है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव रंजयंती ये तन्श्रिता श्री जगदीश्वर जो गुण है वो तीनों लोकों में होता है। आइए सबसे पहले एक समझते हैं, जल्दी लगा उसके बाद जल्दी असरता क्या संपूर्ण अर्थात जो परिपूर्ण है, पूर्णता को जो प्राप्त हो चुका है, ऐसा मंडल, मंडल का शाब्दिक अर्थ था गोलाकृति गोलाकार में संपूर्ण मंडल किसका शशांक अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा जब पूर्णाकृति को प्राप्त होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा जो कि पूर्ण गोल है, जो कि कैसा है शशांक अर्थात चंद्रमा कलाप है, कलाओं के साथ कलाप अर्थात समूह है, संपूर्ण कलाप है। मंडल अर्थात गोल, शशांक अर्थात चंद्रमा कला, उसकी जो कलाएं कही गई है चंद्रमा की, उन कलाओं के कलाप अर्थात समूह से युक्त शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तवलंघयन्ति। शुभ्रा अर्थात उज्ज्वल निर्मल शुभ शुभ गुणा त्रिभुवनम संधि निश्चित विशेषण कहा गया है, जो संपूर्ण रूप से परिपूर्णता को प्राप्त संपूर्ण कलाओं से सहित जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, ऐसे उस चंद्रमा के समान उज्ज्वल निर्मल शुभ गुणा अर्थात गुण। किसके गुण है इसे लिखा तब अर्थात तुम्हारे, हे भगवान आपके। त्रिभुवनम त्रि अर्थात तीन, भुवनम अर्थात भुवन, तीनों भुवन अर्थात पूर्वलोक मध्यलोक और अधोलोक। त्रिभुवनम तीनों भुवनों को तीनों लोकों को लंघयन्ति लांग रहे हैं अर्थात भावार्थ में अपने को यह
सादर जय जिनेन्द्र, देख के बाद आपका पुनः स्वागत है। जाने से पूर्व हमने चर्चा की थी कि भगवान जिनेन्द्र के अंदर अनंतानंत गुण विराजमान है। उन अनंतानंत गुणों के पूरे तीनों लोकों के व्याप्त होने में संसार में किसी की ऐसी शक्ति नहीं है जो उन गुणों को व्याप्त होने से रोक दे। इसी अपेक्षा से एक छोटी सी कथा यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। एक बार की बात है, एक महारानी कल्याणी नाम की एक रानी थी। वह जिन धर्म पर अटूट दृढ़ श्रद्धा रखती थी, लेकिन उनके जो पति थे अर्थात जो राजा थे वो कुशील सेवन करने वाले थे, व्यसनी थे। एक बार देखा गया कि वह राजा अपनी ही नौकरानी, जिसका नाम चंपा नाम की नौकरानी थी, उसके साथ में वह कुशील या गलत कार्य कर रहे थे। रानी ने जब यह देखा तो राजा को बहुत समझाया, राजन आप पूरे इस राज्य के राजा हैं, प्रजा आपके ऊपर इतना विश्वास करती है, मैं आपकी पटरानी महारानी हूँ, मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करती हूँ, और अगर इस तरह का आप गलत कार्य करेंगे तो फिर लोग कैसे आप पर विश्वास करेंगे। लेकिन क्योंकि व्यसन एक ऐसी चीज है जो किसी को लग जाती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है, राजा से वह व्यसन नहीं छूट रहा था। रानी के बार बार समझाए जाने पर राजा को उस रानी पर गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ इसे किसी वन में जा करके और कुएं में फेंक करके आ जाओ। सेवकों ने राजा का आदेश का पालन किया और उस रानी को ले जा करके एक कुएं में फेंकने की तैयारी की। रास्ते में जंगल में जैसे ही वो पहुंचे और देखा यहाँ पर एक कुआं है, तो जैसे ही रानी को उठा करके उस कुएं में फेंका, तुरंत वहां पर देवों के द्वारा एक सिंहासन की रचना हो गई। जैसे ही देवों के द्वारा सिंहासन की रचना हुई, सेवकों को बड़ा अपने आप में अपमान फील हुआ, महसूस हुआ और लगा कि देखो हमने यह बहुत गलत कार्य किया। ऐसी श्रीमती रानी को राजा के आदेश से हमने उसको कुएं में फेंक दिया। उन्होंने उस देव से, उन रानी से क्षमा याचना की और जैसे ही राजा के पास यह खबर पहुंची कि अरे मैंने अपनी पत्नी जो शीलव्रता थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं था, उसमें भी दोष लगा करके जो मेरे कार्य में बाधा बन रही थी उसे मैंने जंगल में फेंकवा दिया, कुएं में फेंकवा दिया, और जब यह जिन धर्म का अतिशय देखा कि देवों के द्वारा सिंहासन की रचना होकर के वहां पर जिन धर्म की प्रभावना की गई और उस महारानी कल्याणी की रक्षा की गई, तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा याचना की और श्रावक के व्रत अंगीकार किए। रानी से जैसे ही घर चलने को कहा, रानी ने कहा नहीं, मैंने संसार की अटारता देख ली है, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है, मैं तो बस आरिका व्रत को धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहती हूँ। और उस महारानी कल्याणी ने आरिका व्रत को स्वीकार करके देव पद को, स्वर्ग को प्राप्त हुई। वास्तव में जिनेन्द्र भगवान के गुणों का स्तमन करने से, भक्तामर स्तोत्र आदि का पाठ करने से, स्तुति करने से संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सफल नहीं हो सकता हो। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हमें मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाता है, तो यह सांसारिक छोटे मोटे दुख दर्द तो स्वयं में समाप्त हो जाएंगे और सुख सुविधाएं तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। जहां तक जिनेन्द्र भगवान के गुणों की चर्चा है, अनंतानंत गुण विद्यमान है। जिनेन्द्र भगवान गुणों के सागर हैं और संसार में जब वही गुणों के सागर और वही गुण फैल करके भगवान जिनेन्द्र देव की ही प्रभावना कर रहे हैं। अगर हम सामान्य से देखें, जिनेन्द्र भगवान अर्यंत अवस्था चार घातीय कर्मों के नाश करने पर चार गुण प्रकट होते हैं और अर्यंत अवस्था प्राप्त होती है, ज्ञानावरण, वैष्णावरण, मोहनीय और अंतराय। इन चार कर्मों के नाश होने पर या नष्ट करने पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, यह चार गुण प्रकट होते हैं जो कि हर अरिहंत परमेष्ठी में, प्रत्येक जिनेन्द्र भगवान में
केवल ज्ञान प्राप्त होते ही प्रकट हो जाते हैं। यह तो सामान्य सिर्फ चार गुणों की मैंने आपसे चर्चा की, इनके अलावा अनंतानंत गुण विराजमान है। जिन सहस्त्र नाम का जब हम पाठ करते हैं उसमें हम पढ़ते हैं भगवान जिनेन्द्र देव में कितने गुण विद्यमान हैं। ऐसे उन गुणों का वर्णन करने में हम और आप कभी भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। वे गुण जिनेन्द्र भगवान में तो व्याप्त है ही सही, आज हमें और आपको भी वे गुण समझ में आ रहे हैं। उसका कारण क्योंकि वे गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों लोकों में व्याप्त होकर के वे गुण उन्हीं जिनेन्द्र भगवान की ही तो प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने यह श्लोक कहकर के यह वर्णन किया कि हे भगवान, आप में जो गुण विराजमान है ये त्रिलोक के व्यापी अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हैं। त्रिकालवर्ती, तीनों कालों में हमेशा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वर्तमान की अपेक्षा से ही जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हो या उनके गुणों का स्मरण करते हो। भूतकाल में भी अनंतानंत जिनेश्वर भगवान तो हुए, उनमें भी अनंतानंद गुण विराजमान थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे। जिनेन्द्र भगवान में जो गुण है ऐसा नहीं है कि आज है और कल समाप्त हो गए। जो गुण आज हैं वे पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। इस बात का हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। उन तीनों कालों संबंधी जो गुण जिनेन्द्र भगवान के अंदर व्याप्त हैं, वे तीनों लोकों में व्याप्त होकर के जिन धर्म की प्रभावना का ही कारण बन रहे हैं। आचार्य भगवान ने यहाँ पर उन गुणों को चंद्रमा के संपूर्ण रूप से परिपूर्णता को, जब चंद्रमा व्याप्त प्राप्त हो जाता है, पूर्णिमा का चंद्रमा हम सभी देखते हैं, उसकी प्रकाश और उसकी कांति, जिस प्रकार जहाँ स्थित वह चंद्रमा होता है उसके प्रत्येक स्थान पर पहुँचती है, कोने कोने में भी वह चंद्रमा की कांति और प्रकाश पहुँचता है, उस प्रकाश को वहाँ पर पहुँचने पर भला ऐसा कौन है जो रोक सकता है? बताइए, कोई रोक पाएगा क्या? नहीं। जिस प्रकार उस चंद्रमा के प्रकाश को, जिस स्थान पर वह चंद्रमा स्थित है वहाँ पर उस प्रकाश के व्याप्त होने में, जाने में कोई भी रोकने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार हे भगवान, आपके अंदर भी जो ये गुण विराजमान है, इन गुणों को भी तीनों लोकों में व्याप्त होने में, रोकने में कोई समर्थ नहीं है। जिस प्रकार ज्योत का चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं चंद्रमा प्रति समय बढ़ता बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पहले छोटा होता है, तृतीया के दिन और ज्यादा, चतुर्थी के दिन और ज्यादा, इस तरह बढ़ता बढ़ता जब चतुर्दशी के पश्चात पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की आती है और उस समय जब हम देखते हैं तो चंद्रमा एक परिपूर्ण गोलाकार को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हे भगवान, आपके अंदर जो यह गुण विराजमान है ये भी चंद्रमा के किरणों की जो कांति है, चंद्रमा के समान नहीं कहा, क्योंकि पहले वाले श्लोक में तो चंद्रमा को कलंकी बताया, इसलिए भगवान के गुण कलंकी नहीं हो सकते हैं। हमें यहाँ पर एक बात विशेष रूप से यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान के गुणों की उपमा चंद्रमा की कांति अर्थात प्रकाश से की गई है, क्योंकि यदि चंद्रमा से करते तो चंद्रमा में तो कलंक है, भगवान के गुणों में थोड़ी ना कलंक है। इसलिए कांति जो आभा निकल रही है, जो प्रकाश चंद्रमा के द्वारा फैल करके लोक में व्याप्त हो रहा है, उस प्रकाश में कोई कलंक नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के गुणों में भी कोई कमी नहीं है, कोई दाग नहीं है, इसलिए उनके गुणों की उपमा उनकी कांति के समान की गई है। शुभ्रा शब्द के द्वारा हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए जो शुभ है उज्ज्वल है। शुभ गुण होने के द्वारा जब उनकी भक्ति हम करते हैं तो हमारा मनोयोग, हमारा वचन योग और हमारा काय योग भी शुभ योग बनकर के निश्चित रूप से पुण्य कर्म के आश्रयों का कारण बनता है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में सूत्र लिखा है, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ योग होने पर वह पुण्य कर्म का निमित्त बनता है, पुण्य कर्म का आश्रय होता है, और अशुभ योग होने पर पाप कर्म का आश्रय होता है। यदि चंद्रमा की कांति के समान जिनेन्द्र भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, मन से भगवान जिनेन्द्र देव के गुणों का स्मरण करें, वचनों के माध्यम से स्तुति करें,
और काय अर्थात शरीर के द्वारा यदि हम वंदना की क्रिया करते हैं तो उस समय हमारा मन वचन और काय ये तीनों शुभ बन जाते हैं और शुभ योग के द्वारा भगवान के अंदर विराजमान जब शुभ गुणों का हम वर्णन करते हैं भक्ति करते हैं तो फिर वह निश्चित रूप से पुण्य कर्म का आश्रय का कारण बनता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें भगवान जिनेन्द्रदेव के अनंत गुणों का स्मरण करना चाहिए और मन में यह ध्येय और संकल्प बनाना चाहिए कि हे भगवान एक दिन मैं भी आपके समान उन अनंत गुणों का धारी बनूं, एक दिन मैं भी आपके समान उस पद को प्राप्त करूं। भगवान आपके एका मतलब एकमात्र, तीसरी पंक्ति का अर्थ हुआ ऊपर की दो पंक्तियों में जो हमने चर्चा की कि हे भगवान जो चंद्रमा की संपूर्ण कलाओं के समूह से युक्त जो कांति है उस उज्ज्वल निर्मल शुभ गुण तीनों लोकों में आपके आश्रय से जो हैं वे हे भगवान आपके ही तो हैं। इसलिए कह रहे हैं कष्टान निवार यति संचरतो यथेष्टम। एक एक शब्द का अर्थ देखें, कष्टान कह तान कह अर्थात कौन, तान मतलब उनको, उनको गुणों को निवार यति रोकता है, रोक सकता है, अवरुद्ध कर सकता है। संचरतो यथेष्टम संचरित है अर्थात विचरण करते हुए घूमते हुए, यथेष्टम यथा इष्टम अपनी इच्छा अनुसार, अर्थात कौन है ऐसा जो उन गुणों को अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने में रोक सकता है अथवा रोकने में समर्थ है। क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा श्लोक को फिर से समझें। इस श्लोक में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी यह कहना चाह रहे हैं और भक्ति यह प्रकट करना चाह रहे हैं कि हे भगवान आप में जो अनंतानंत गुण विराजमान हैं ये तीनों लोकों में व्याप्त हैं और तीनों लोकों में व्याप्त होने का कारण क्योंकि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। जो तीनों लोकों के आप स्वामी हैं तो इन गुणों को यदि ये गुण पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं तो इन गुणों को तीनों लोकों में व्याप्त होने में कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। कौन ऐसा है जो इन गुणों को लोक में व्याप्त होने में लोक में विचरण करने में योग्य नहीं मानता हो अथवा इनको रोकने में सक्षम हो, कोई नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि हे भगवान आप श्री जगत ईश्वर नाथम तीनों लोकों के स्वामी हो। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं फिर अपन भावार्थ की तरफ बढ़ेंगे। हे भगवान संपूर्णता को प्राप्त गोलाकृति से युक्त अपनी सभी कलाओं के समूह से सहित जो चंद्रमा के कांति के समान शुभ्र गुण हैं ये तीनों लोकों के उपमाओं को या तीनों लोकों को लांघ रहे हैं अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। जो ये गुण तीनों लोकों में व्याप्त होकर के घूम रहे हैं उसका कारण क्योंकि इन गुणों ने तव संस्थिताः आपका आश्रय ग्रहण कर लिया है, ये आपके शरण में रह रहे हैं। ऐसे ही तीनों लोकों के स्वामी ये गुण आपके आश्रय से रह रहे हैं तो इन्हें पूरे संसार में व्याप्त होने से कौन रोक सकता है। वास्तव में जिनेन्द्र भगवान के अंदर अनंतानंत गुण विराजमान हैं। हम देखते हैं कि जिस स्थान पर जिसका राज्य होता है, जिसका साम्राज्य होता है, जिसका अधिकार होता है, उसके भाई बंधु संबंधी परिवारजन वहाँ पर कहीं पर भी घूमे उसको उनको कौन रोक सकता है। जैसे एक पिता के घर में पुत्र बड़े निशंक होकर के घर के चारों तरफ घूमता है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है, उसको कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता के आश्रय से रह रहा है। देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो देश में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। कोई सम्राट है, कोई राजा है, वो स्वयं भी घूम सकता है, उसके परिवार के बंधु भाई संबंधी परिवारजन रिश्तेदार नातेदार सब कहीं पर भी घूमे उन्हें वहाँ घूमने से कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण क्योंकि उनका उनके ऊपर उनके राजा का अपने परिवार के सबसे बड़े मुखिया का आश्रय है। जिस प्रकार हम लोक व्यवहार में ही उदाहरणों से उनको कोई नहीं रोक सकता उसी प्रकार हे भगवान आपके अंदर जो अनंतानंत गुण विराजमान है वे अनंतानंत गुण पूरे तीनों लोकों में व्याप्त होकर के आपकी ही तो प्रभावना कर रहे हैं,
आपके ही तो गुणों का बखान कर रहे हैं, और वो गुण सिर्फ आप में ही विद्यमान नहीं है, आप में तो अनंत अनंत गुण विराजमान है ही सही, उसके अलावा वो तीनों लोकों में व्याप्त हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया जा रहा है, वे गुण आपके ही तो हैं और तीनों लोकों में व्याप्त होकर के वो आपके ही गुणों का तो बखान कर रहे हैं, आपका ही तो वर्णन, आपकी ही तो प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए उन गुणों को इन तीनों लोकों में फैलने के लिए, विचरण करने के लिए कौन ऐसा भला व्यक्ति है जो उनको रोकेगा? इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि आप ही सर्वस्व हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सबके स्वामी हैं, आप ही सर्व प्रतिष्ठित सर्वोच्च हैं, तो फिर आपसे बड़ा तो कोई है नहीं, बड़ा हो तब तो उनको कोई रोकेगा। जब आप ही सब कुछ हैं तो आपके गुण तीनों लोकों में अपने आप व्याप्त होकर के घूम रहे हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।